आज हम नया कोर्स ले गए हैं एंटोमोलॉजी का, अब शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटोमोलॉजी है क्या। ठीक है, एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स का क्या रिलेशनशिप है ह्यूमंस के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, प्लांट्स के साथ और बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्वेश्चन आता है कि इंसेक्ट है क्या। तो इंसेक्ट एक जो सा वर्ड है, बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, इंसेक्टम से, और इसका मीनिंग होता है कि डिवाइडेड बॉडी। जैसे कि हमने कोई इंसेक्ट देखा होगा तो एक सेगमेंट्स में कैसे डिवाइड होता है, उसका हेड होता है आगे, फिर उसके पीछे उसका थोरेक्स, देन उसका एब्डोमन। तो इस तरह से मेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और बाकी भी इसमें सेगमेंट्स बने होते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट। करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा कि इसका जो सा एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का जो सा इसका कवरिंग है, जैसे हमारी स्किन है आउटर हमारी, इसी तरह इनके बाहर एक जो सी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो इनका जो सा एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, और ये है जो उनसे मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। और इनकी बॉडी के अंदर, जैसे ये एक इंसेक्ट की बॉडी है तो यहाँ पे थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होगी। ठीक है, दो को बोलते हैं फोर लेग्स, देन मिडल में दो लेग्स और दो हाइंड लेग्स। ठीक है, इस तरह से छह लेग्स होगी और थ्री पेयर्स। इसके बाद इनके पास जो उनसे कई इंसेक्ट्स हैं उनके पास होती है कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें हाउस फ्लाइज में होती है और कईयों में सिंपल आई भी होती है, तो दोनों तरह की इसमें हमें मिलती है। थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक्स है में हम देखते हैं इनके पास एंटीने होते हैं सिर के ऊपर। ठीक है, तो ये एंटीना है जो उनसे ये सेंसरी के पर्पस के लिए होते हैं, तो इससे ये सेंस करते हैं। और इनके अंदर कोई भी इनका इंटरनल स्केलेटन नहीं होता। ठीक है, अगर हम किसी इंसेक्ट को मार के देखते हैं या कॉकरोच को, अगर हम जैसे नॉर्मल घर में चप्पल मार देते हैं तो उसमें देखते हैं उसकी सारी आंत वगैरह बाहर आ जाती है, उसकी इंटेस्टाइन वगैरह, लेकिन उसमें अंदर कोई बोन या कोई ऐसे रिजिड कुछ प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो सा उसके स्केलेटन के लिए वो उसमें नहीं होता अवेलेबल। इसमें सिर्फ बाहर की एक कवरिंग होती है जो थोड़ी हार्ड होती है, रिजिड होती है, जिसको हमने ऊपर भी बताया था एक्सोस्केलेटन, वही होता है और उसी के बेस पे ये सब काम करते हैं, और वही इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और एवरीथिंग कि इंजरी वगैरह उसको ना हो सके। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ये इंसेक्ट्स की हमें स्टडी करनी क्यों है। ठीक है, एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट है, जूलॉजी का पार्ट है। ठीक है, जूलॉजी की ब्रांच है एक्चुअली। तो इसके अंदर हमारे पास आता है कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं सब्जेक्ट को, कि इंसेक्ट्स के बारे में हमें जानना क्यों है। तो इंसेक्ट्स के बारे में हम इसलिए जानना है क्योंकि हम जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रेजेंट है और लिविंग में, तो वो ये इंसेक्ट्स है जो उनसे कि हम दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे जो सी मेजोरिटी, उसके बारे में जानना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज़ है तो इसलिए उसके बारे में हम जानेंगे। और सेकेंड की जो सी करेक्टर है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये हर कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, हर कंडीशन में सर्वाइव करने का मतलब है कि ये अपने आप को अडॉप्ट करते रहते हैं, और जैसे जैसे सिचुएशन आती है ये अपने आप को उस अकॉर्डिंग अपडेट करते रहते हैं। जरूर ऐसा नहीं है कि कॉकरोचेज है जो उनसे सिर्फ ये पर्टिकुलर रीजन में मिल रहे हैं, वो तो सर्दी में भी आपको मिलेंगे, गर्मी में भी मिलेंगे, अडॉप्ट करते रहते हैं अपने आप को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और एनवायरमेंट जो उनसे होता है। अब तक हमारे पास मोर देन 1 मिलियन स्पीशीज़ इसकी आइडेंटिफाई हो चुकी है, मोर देन 1 मिलियन इंसेक्ट्स आइडेंटिफाइड हो चुके हैं सॉरी। और इसको हम स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम समझ सकें कि कौन से इंसेक्ट्स का क्या इफेक्ट है हमारी क्रॉप्स के ऊपर, हमारे फूड के ऊपर, किस तरह से ये हमें बेनिफिट दे रहे हैं, किस तरह हमें डिसएडवांटेजेस की मिल रही है कहीं इंसेक्ट्स की वजह से, जैसे कि अगर हमें बाइट कर लेते हैं या स्टिंग कर लेती है हनी बी वगैरह भी, तो उनकी अपने बेनिफिट्स ज़रूर है कि हाँ पोलिनेशन में भी वर्क करते हैं और भी काफ़ी इनके काम होते हैं, हनी हमें प्रोड्यूस करके देते हैं ये, पर ये है ना कि उनके जो उनसे बेनिफिट्स है वो तो है ही है, नुकसान भी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी स्टडी इसलिए हम करते हैं ताकि हम इन दोनों चीज़ों को देख सकें। ठीक है, और
कई जो से इंसेक्ट्स हैं वो हमें काम आते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी, ठीक है। कुछ है जो उनसे क्रॉप्स को बचाने के काम भी आते हैं, कई जो उनसे इंसेक्ट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं वो अपने प्रोडक्शन के लिए भी, जैसे सिल्क वर्म है वैसे वो हम यूज़ करते हैं वो भी एक सिल्क प्रोडक्शन के लिए, और भी बहुत सारे हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इस एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, तो ऐसे ही हम इनको इसलिए इसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये थी, इसके बाद हमारे पास आएगा टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो इंसेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर मैं बेसिकली बता देता हूँ होता क्या है, कि हम क्लासिफाई करेंगे कि किस तरह हम एक इंसेक्ट को बाकी सब ऑर्गेनिज्म से डिफर करते हैं, कि सबसे पहले किंगडम, देन आगे वो सब डिविजन्स, उसकी क्लास स्पीशी एंड फाइलम क्लास स्पीशी, ऐसी उसको आगे हम डिवाइड करते हैं और उसको बाकी ऑर्गेनिज्म से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे, और फिलहाल के लिए आज इतना ही। बाकी समझ आया हो तो अपना प्यार देना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। नया चैनल शुरू हुआ है तो सपोर्ट करना, ठीक है।